अब हम बात करेंगे कि कौन से न्यू सिस्टम जो थे डेवलप हुए दिल्ली सल्तनत, जो इसमें सबसे पहला जो जिसको हम इक्ता सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इक्ता सिस्टम जो है क्या होता था, आज हम इस पर बात करेंगे। तो जो नोबल होते थे और आर्मी कमांडर्स होते थे, और उनको जो था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक लैंड दी जाती थी, जो टेरिटरी असाइन की जाती थी वो नोन एज इक्ता कहलाती थी। और जो उस जमीन को जो होल्ड करते, जो जिनको वो दी जाती थी, वो इक्तदार या मुक्ति कहलाते थे। और इनका इनका मेन जो काम होता था वो होता था आर्मी मेंटेन करना सुल्तान के लिए। इक्ता प्रणाली को अगर हम देखें तो प्रारंभिक इस्लामिक देशों में लागू की गई थी, और ये राज की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था। खलीफा के प्रशासन में ये नागरिक और सैन्य अधिकारियों को दिया जाता था। सल्तनत की स्थापना के बाद सुल्तानों द्वारा इक्ता प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रारंभ में सैन्य कमांडो और अभिजात वर्ग को प्रशासन चलाने और राजस्व की उगाही करने के लिए नए क्षेत्र जो थे दिए गए थे। इस प्रकार सौंपे गए जो क्षेत्र थे वो मतलब उन क्षेत्रों को इक्ता कहते थे, और जिन्हें ये इक्ता दिए जाते थे उन्हें इक्तदार या मुक्ति कहते थे। हम अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि अधिकारियों को भुगतान करने की एक ये प्रणाली थी, इक्ता सिस्टम, जिससे वे सेना की देखरेख करते थे और धीरे धीरे संपूर्ण प्रणाली को संगठित करने के लिए नियम और विनियम निर्धारित किए गए। वर्षों से ये सल्तनत का प्रशासन चलाने का मुख्य साधन बन गए। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली के माध्यम से विशाल क्षेत्रों के विभिन्न भागों से सुल्तानों को अधिक उत्पादन का बड़ा भाग मिलने लगा। 14वीं सदी में हम वालिस या मुक्तिस के बारे में सुनते आ रहे हैं। ये सेना और प्रशासनिक क्षेत्रों के कमांडर होते थे, इन्हें एकता कहते थे। इनकी यथार्थ शक्तियों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहा था। समय के अनुसार मुक्ति को एकता के प्रशासन का पूरा दायित्व सौंप दिया गया, जिसमें सेना की देखरेख का कार्य सम्मिलित होता था। आवश्यकता पड़ने पर मुक्ति को अपनी सेना सहित सुल्तान की सहायता करनी पड़ती थी। उससे यानी कि इक्तदार या मुक्ति से ये आशा की जाती थी कि वे वसूल किए गए राजस्व से सेना की देखरेख करें और अपना खर्चा स्वयं स्वयं करें। बलबन के शासनकाल में ही मुक्ति से ये आशा की जाती थी कि वह अपने और सेना के खर्चों को पूरा करने के बाद जो पैसे बचे हैं, जिसे फवाजिल यानी कि जो आय बची है, इसे फवाजिल कहते हैं, केंद्र को भेजें। इसका अर्थ यह है कि केंद्रीय राजस्व विभाग एकता की संभावित आय, सेना के रखरखाव पर आने वाली लागत तथा मुक्ति के अपने खर्च का मूल्यांकन किया किया करता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान इस प्रक्रिया के संबंध में और सख्ती बढ़ती गई। जैसे जैसे केंद्रीय नियंत्रण बढ़ता गया, मुक्ति के प्रशासन पर भी नियंत्रण बढ़ता गया। को एकताओं की आय का लेखा जोखा रखने की नियुक्त किया गया था। वरिद या गुप्तचर अधिकारी की भी नियुक्ति की जाती थी ताकि वह सुल्तान को सूचना देता रहे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान राजस्व में भागीदारी शर्तों पर अनेक सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी। इन्हें राज को निश्चित राशि देनी होती थी। फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान इक्ताओं पर राज्य का नियंत्रण समाप्त हो गया था और ये इक्ता वंशानुगत हो गए थे। अगर हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव की कार्यशैली और प्रशासन कमोबेश वैसा ही था जैसे कि तुर्की काल के पहले मौजूद था। गांव के मुख्य अधिकारियों में खुद मुकद्दम और पटवारी थे। वे राजस्व की उगाही करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मुफ्ती के साथ समन्वय से कार्य करते थे। एक परगना में अनेक गांव होते थे। परगना के महत्वपूर्ण अधिकारियों में चौधरी, आमिल, आमिल का काम होता था राजस्व एकत्र करना, और कारकुन यानी कि लेखागार होते थे। गांव और परगना प्रशासन की स्वतंत्र इकाई होती थी, और तब भी कुछ क्षेत्र आपस में जुड़े हुए होते थे। कई मामलों में इन प्रांतों के स्थानीय शासक राय, राणा, रावत राजा होते थे, जो गवर्नर को उसके कार्यों में सहायता देते थे। ऐसे मामलों में स्थानीय शासकों को सुल्तान के सहायकों के रूप में भी मान्यता मिली हुई थी। अब हम जो है, अभी तक हमने जो बात की वो दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन पर बात की थी। अब हम बात करेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर कैसा, मुगल्स के अंडर में कैसा था। मुगलों ने सल्तनत और शेरशाह की प्रशासनिक प्रणाली की कई विशेषताएं बनाए रखी।
शेरशाह के शासनकाल में परगना यानी कि परगना यानी गांवों का समूह, सरकार परगनों का समूह और सरकारों के समूह यानी कुछ कुछ सूबे अथवा प्रांत जैसे कि प्रशासनिक इकाइयों को विशिष्ट अधिकारियों के नियंत्रण में रखा था। मुगलों ने एक नई क्षेत्रीय इकाई बनाई बनाई गई जिसे सूबा कहा जाता था। जागीर और मनसब प्रणाली के संस्थाओं को भी मुगलों द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार परिवर्तन और निरंतरता दोनों मुगल प्रशासनिक ढांचों को चिन्हित करते थे जिससे इस प्रणाली में उच्च दर्जे का केंद्रीकरण किया गया था। केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करें इनके मुगल्स के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो सम्राट जो था प्रशासन का सर्वोच्च प्रधान था और उसके नियंत्रण में सभी सैन्य और न्यायिक शक्तियां थीं। मुगल प्रशासन में सभी अधिकारी अपनी शक्ति और स्थिति के लिए सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। सम्राट को यह अधिकार था कि वह अपनी इच्छा से अधिकारी को नियुक्ति करता था और उनकी उनको मतलब उनको प्रमोट भी करता था या उनकी पदोन्नति भी करता था और उन्हें हटा भी सकता था, उन्हें अपने दरबार से निकाल भी सकता था। सम्राट पर संस्थागत या अन्यथा कोई ऐसा दबाव नहीं था। सम्राट अपने कार्य सुगमता से कर सके इसके लिए कुछ विभाग बनाए गए थे। जैसे अगर विभाग की बात करें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में तो एक वकील और वजीर का डिपार्टमेंट था। ये जो थे एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर इनके पास जो थी वो राजा के बात होती थी। वजारत या वकील दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। इसमें इनका जो स्थान था दिल्ली सल्तनत के दौरान भी कुछ रूपों में मौजूद था। वजीर का पद दिल्ली सल्तनत में अफगान शासकों के काल में अपनी उत्कृष्ट स्थिति खो चुका था। वजीर के पद को मुगलों ने फिर चालू किया। बाबर और हुमायूं के वजीर अत्यधिक शक्तिशाली थे। अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर के मंत्री बैरम खां के काल में वकील वजीर को असीमित शक्तियां प्राप्त थी। अकबर ने वजीर की शक्तियों को कम करने के लिए बाद में उससे वित्तीय शक्तियां छीन ली थी। इससे वजीर की शक्तियों को बड़ा झटका लगा था। एक डिपार्टमेंट और दीवाने कुल दीवाने कुल का मुख्य जो था दीवान था। यह राजस्व और वित्त के लिए उत्तरदायी था। अकबर ने दीवान को राजस्व शक्तियां सौंपकर दीवान के कार्यालय को मजबूती प्रदान की थी। दीवान सभी विभागों के सभी लेन देन तथा भुगतान की जांच व निरीक्षण करता था और प्रांतीय दीवानों की देखरेख करता था। मीर बख्शी ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सब चीजें देखता था। मीर बख्शी सेना के प्रशासन में से संबंधित सभी मामले देखता था। मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश तथा उनके वेतन के कागजातों को समर्थन प्रदान करता था और उन्हें स्वीकृत करता था। वो मीर बख्शी जो था इस बात पर सख्ती से निगरानी रखता था कि मनसबदारों द्वारा शस्त्रों का और युद्ध सामग्री का उचित रखरखाव किया जाए। सेवा मांगने पर नए सदस्यों को सम्राट के सामने मीर बख्शी द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। सदर सुदूर डिपार्टमेंट था। सदर सुदूर पुरोहित संबंधी विभाग का मुखिया था। उसका मुख्य काम जो था शरीयत के कानूनों की रक्षा करना था। सदर का कार्यालय योग्य व्यक्तियों और धार्मिक संस्थाओं को भत्ते और वजीफे बांटा करता था। अकबर के शासनकाल के पहले 25 वर्षों के दौरान इसने कार्यालय को अत्यधिक आकर्षक बना लिया था। 1580 में मजहर की घोषणा ने इसके अधिकार सीमित कर दिए थे। मजहर के अनुसार धार्मिक विद्वानों के विचारों में मतभेद होने पर अकबर का विचार जो है मान होगा। यह अधिकारी धार्मिक और धर्मात उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदानों के मामलों का भी निर्धारण करता था। बाद में राजस्व मुक्त अनुदान प्रदान करने के लिए भी सदर के अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। मुहतसिब यानी कि लोक आचरण नियंत्रक की नियुक्ति आचार संहिता नियमावली के सामान्य अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की जाती थी। यह वजन और माप की जांच करता था और उचित कीमतों आदि लागू करता था। ये एक कोर्ट सीन है। मीर समा ये रॉयल कारखाने का जो था इंचार्ज होता था
और सभी तरह की जो चीजें परचेज करना, उनका स्टोर करना रॉयल हाउस होल्ड के लिए, उसके लिए तराई होता था। ये मीर समाज जो था शाही कारखानों का प्रभारी अधिकारी था। उसकी शाही परिवार के लिए सभी प्रकार की खरीदारी करना और उनके भंडारण की जिम्मेदारी उसी की थी। वह शाही परिवार के लिए उपयोग हेतु विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर भी निगरानी रखता था। अब हम मुगल काल के जो है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर हम बात करें तो मुगल एम्पायर को 12 प्रोविंसेस में बांटा गया था, जिसको सूबा सूबा कहते हैं। और हर सूबा जो था एक सूबेदार के अंडर में होता था, या ये कह सकते हैं कि हर हर सूबे में एक प्रोविंशियल गवर्नर होता था। इसमें यहाँ पे देर वर ऑफिसर्स ऑफ दीवान, बख्शी, सादर सदर, जो उसी तरह से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते थे जैसे सेंटर में की जाती थी। अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 प्रांतों और तथा यह कह सकते हैं सूबों में विभाजित किया था। ये प्रांत अगर हम कहें तो कौन कौन से थे, तो इसमें इलाहाबाद था, आगरा था, अवध था, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल था, दिल्ली, काबुल, लाहौर, मालवा और मुल्तान। बाद में अहमदनगर, बरार और खानदेश को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ ही प्रांतों की संख्या भी बढ़कर 20 हो गई थी। पहले 12 थे, जब जैसे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ तो ये प्रांतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई। प्रत्येक सूबा सूबेदार अथवा प्रांतीय गवर्नर के अधीन था। ये सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किए जाते थे। सूबेदार प्रांत का प्रधान होता था तथा वह समान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। वह कृषि, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देता था तथा राज्य का राजस्व बढ़ाता था। वह विद्रोहियों का दमन करता और अभियानों के लिए सेना मुहैया कराता था। सूबे में राजस्व विभाग का प्रमुख दीवान होता था। उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी और वह स्वतंत्र अधिकारी था। उसे सूबे में राजस्व संग्रह का कार्य देखना पड़ता था और वह सभी व्यय का लेखा जोखा रखता था। उससे आशा की जाती थी कि वह खेती योग्य भूमि को बढ़ाएगा। कई बार उसके कार्यालय से किसानों को अग्रिम ऋण भी दिया जाता था। प्रांत के बख्शी द्वारा भी वही कार्य किए जाते थे जो केंद्र में हम कह सकते हैं कि मीर बख्शी द्वारा किए जाते थे। उसकी नियुक्ति मीर बख्शी की सिफारिशों पर शाही दरबार द्वारा की जाती थी। वह सूबे के मनसबदारों द्वारा देख रेख किए जाते थे। घोड़ों और सिपाहियों की जांच और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार था यह अधिकारी। वह मनसबदारों और सिपाहियों दोनों के वेतन बिल जारी करता था। अक्सर इसका कार्यालय वाक्य निकार से जुड़ा होता था। इस हैसियत से उसका कार्य था कि वह अपने प्रांतों की घटनाओं के बारे में सूचना दे। प्रांतीय स्तर पर केंद्रीय सदर यानी कि सदर सुदूर के प्रतिनिधि को सदर कहते थे। ये उन लोगों के कल्याण के लिए जिम्मेदार था जो धार्मिक गतिविधियों और शिक्षा के कार्यालय में लगे हुए थे और वे न्याय विभाग का भी कार्य देखते थे। इस हैसियत से वे काजियों के कार्य को भी देख रेख करते थे। कुछ अन्य अधिकारी थे जिनकी नियुक्ति प्रांतीय स्तर पर की जाती थी, जैसे दरोगाई या डाक संचार माध्यम के रखरखाव के लिए जिम्मेदार था। वह डाक वाहकों के माध्यम से दरबार में पत्र पहुंचाता था। वाक्यनवीस और वाक्यनिगार की नियुक्ति सम्राट को सीधे रिपोर्ट भेजने के लिए की गई थी। अगर हम इसके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मुगल काल के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो प्रांत अथवा सूबे सरकारों में विभाजित थे। सरकारों को परगनों में बांटा गया था। गांव प्रशासन की लघुत्तम इकाई थे। सरकार स्तर पर दो महत्वपूर्ण अधिकारी थे, एक था फौजदार और दूसरा अमलगुजार। फौजदार की नियुक्ति जो थी शाही आदेश द्वारा होती थी। कभी कभी एक सरकार में कई फौजदार होते थे, कभी कभी इनके क्षेत्राधिकार दो सरकारों में होते थे, जबकि ये दोनों अलग अलग सूबों के होते थे। फौजदारी एक प्रशासनिक प्रभाग होता था जहां सरकार का क्षेत्रीय और राजस्व प्रभाग होता था। फौजदार का मुख्य कार्य जो था अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के निवासियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना होता था। वह अपने क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं का निवारण करता था और आवश्यकता पड़ने पर सेना की तथा अन्य समय तथा समय पर राजस्व एकत्र करने में सहायता देता था। अमलगुजार अथवा अमील राजस्व संग्राहक होता था। उसका कार्य राजस्व का मूल्यांकन करना और राजस्व संग्रहण की देखरेख करना था।
उससे आशा की जाती थी कि वह खेती योग्य भूमि को बढ़ाएगा और किसानों को स्वेच्छा से राजस्व का भुगतान करने के लिए प्रेरित करेगा। वह सभी लेखा जोखा रखता था और प्रांतीय दीवान को प्रतिदिन प्राप्ति और व्यय की रिपोर्ट भेजता था। परगना स्तर पर शिकदार कार्यपालक अधिकारी होता था। वह राजस्व संग्रह के कार्य में आमिलों की सहायता करता था। आमिल परगना स्तर पर राजस्व संग्रह कार्य करते थे। कानून को परगना में भूमि संबंधी सभी रिकॉर्ड रखता था। मुख्यतः शहरों में हम देखते हैं कि कोतवालों की नियुक्ति शाही सरकार द्वारा की जाती थी तथा वह कानून और व्यवस्था का प्रभारी होता था। वह शहर में आने और शहर से बाहर जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर रखता था। मुकदम गांव का मुखिया होता था और पटवारी गांव के राजस्व रिकॉर्ड रखता था। वे अपने क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा राजस्व संग्रह में जमींदारों की सेवाएं लेते थे। किलों की रखवाली किलेदार नामक अधिकारी करता था। वह किले के सामान्य प्रशासन तथा इसको जागीरों में दिए गए क्षेत्रों का प्रभारी होता था। प्रांतीय प्रशासन प्रांतीय अधिकारी से मुक्त था। प्रांत के गवर्नर को मुतसद्दी कहते थे, जिसकी नियुक्ति सीधे सम्राट द्वारा की जाती थी। मुतसद्दी माल पर एकत्र करता था और वह सीमा शुल्क कार्यालय की देखरेख में करता था। वह प्रांत की टकसाल की देखरेख भी करता था। अगर हम कहें कि दो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आए मुगल काल में, तो वो एक था मनसबदारी और दूसरा था जागीरदारी। मनसब सिस्टम की अगर हम बात करें तो मनसब का मतलब होता है प्लेस और पोजीशन। भारत में मुगलों के शासनकाल में मनसब और जागीर प्रणाली प्रारंभ में अंत तक प्रचलित थी। भारत में मुगलों द्वारा तैयार की गई मनसबदारी जो प्रथा थी, मनसबदारी जो प्रणाली थी, वो अद्वितीय प्रणाली थी। कुछ हेरफेर से अकबर द्वारा चलाई गई मनसबदारी प्रणाली सैन्य व नागरिक प्रशासनों का आधार थी। मनसब अगर हम बात करें तो उसके शब्द का अर्थ होता है हैसियत या पद। जिस व्यक्ति को मनसब प्रदान किया जाता था उससे शाही तंत्र में उसकी हैसियत और वेतन दोनों का निर्धारण होता था। मनसब द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की संख्या का भी इससे निर्धारण होता था। यह प्रणाली अभिजात वर्गों के पद कोकागर और सरल बनाने को, मतलब जो उनके अभिजात के पद को कारगर और सरल बनाने, उनके वेतन का निर्धारण करने तथा उनके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का निर्धारण करने के लिए तैयार की गई थी। मनसब प्रणाली में पदों की को संख्याओं में व्यक्त किया जाता था। अबुल फजल बताता है कि अकबर ने अबुल फजल जो था कोर्ट स्टूडेंट थे अकबर के टाइम के, वो बताते हैं कि अकबर ने मनसबदारों की 66 श्रेणियां स्थापित की थी, जिसकी सीमा 10 घुड़सवार कमांडो से 10 लाख घुड़सवारों तक थी। यद्यपि उसने 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया। प्रारंभ में एक संख्या पद व्यक्ति वेतन और मनसबदार के सैन्य दल की संख्या का निरूपण करती है। बाद में मनसब का पद दो संख्या जात और सवार को सूचित करने वाली बन गई। जात कर्मचारियों के व्यक्तिगत पद को दर्शाता था और सवार मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाली सेना के आकार को दर्शाता था। सैन्य दल की संख्या के आधार पर मनसबदारों को तीन श्रेणियों में रखा गया था। जैसे कि अगर हम बात करें कि उदाहरण के लिए हमने कि जैसे जिसके पास 7,000 जात और 7,000 सवार है के पद थे, तो वो प्रथम श्रेणी का जात श्रेणी में जात और सवार पद के बराबर था। दूसरी श्रेणी में जात में सवार के पद में जात में दूसरी श्रेणी में हम देखें सवार के पद जात से कम होते थे, लेकिन जात पद के आधे अथवा 50%। जैसे 7,000 बटे 4,000 जो है 7,000 जो है सवार और 4,000 जो है जात है। तीसरी श्रेणी में सवार पद जात पद के 50% यानी कि 7,000 बटे 3,000 से कम थे। इस प्रकार सवार पद या तो जात के बराबर थे या उससे कम होते थे। सवार पद ज्यादा होने पर भी शाही तंत्र में मनसबदार की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यह जात के पद से ही निर्धारित होती थी। अब हम बात करेंगे जागीरदारी सिस्टम की।
जो एरिया जो था असाइन किया जाता था तो उसको जागीर कहते थे, और जो जागीर जो लेते थे उसको उसको जागीर जिनको जागीर दी जाती थी उनको जागीरदार कहा जाता था। जागीरदार जो थे कुछ भी ट्रांसफर होते थे, लेकिन मतलब जागीरदार को ट्रांसफर किया जा सकता था, लेकिन जागीर को जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लैंड होती थी। द असाइनमेंट्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पर्टिकुलर टेरिटरी टू टू द नोबिस फॉर देयर सर्विसेज टू द स्टेट कम टू बी नोन एज जागीरदारी सिस्टम। मुगलों के शासनकाल में राज्य को अपनी सेवाएं देने वाले अभिजात वर्गों को किसी विशेष क्षेत्र या राजस्व सौंपने की प्रणाली को जारी रखा गया। मुगल काल में जो क्षेत्र सौंपा जाता था वह जागीर, और जिस व्यक्ति को दिया जाता था उसे जागीरदार कहते थे। अकबर के शासनकाल में विकसित मंसबदारी प्रणाली में जागीर अभिन्न हिस्सा थी, और अकबर के उत्तराधिकारियों ने अपने अपने शासनकाल के दौरान इस प्रणाली में अनेक परिवर्तन किए। अकबर के शासनकाल में समग्र क्षेत्र में दो भागों में बांटा गया, खालिस और जागीर। इससे इस पहले भाग से प्राप्त होने वाला राजस्व शाही खजाने में जमा होता था, और जागीरदारों को नकद वेतन के बदले उन्हें जागीर सौंपी जाती थी। मनसबदारों के वेतन की हकदारी उनके जात और सवार के पदों के आधार पर आकी जाती थी। वेतन का भुगतान नगद अथवा जागीर के रूप में भी किया जाता था। जागीर के रूप में किए जाने वाले भुगतान को प्राथमिकता दी जाती थी। यदि भुगतान जागीर देकर किया जाता था तो केंद्रीय दीवान का कार्यालय उन परगनों का पता लगाता था जिनकी जमा का कुल जोड़ मनसबदारों के वेतन के दावे के बराबर था। यदि रिकॉर्ड की गई जमा जागीरदार के वेतन दावे से अधिक होती थी तो जागीरदार को शेष राशि केंद्रीय खजाने में जमा करनी होती थी। दूसरी ओर ये वेतन दावे से कम होता था तो कम होने वाली राशि खजाने से पूरी की जाती थी। हालांकि कोई भी सौंपी जाने वाली जागीर स्थायी अथवा अंशानुगत नहीं थी। सम्राट किसी भी समय जागीर के एक भाग अथवा संपूर्ण जागीर को अपने क्षेत्राधिकार के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित कर सकता था। मुगल शासनकाल के दौरान जागीर और खालिस के बीच का अनुपात घटता बढ़ता रहता था। अकबर के शासनकाल के दौरान खालिस कुल राजस्व का मात्र 5% था, जागीर के शासनकाल में ये 10% और शाहजहां के शासनकाल में ये 9 से 15% के बीच घटता बढ़ता रहा। औरंगजेब के शासनकाल में अंतिम समय में खालिस पर बहुत दबाव पड़ गया था, क्योंकि मनसबदारों की संख्या में वृद्धि होने से जागीर के दावेदारों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। जागीरदारों का स्थानांतरण एक जागीर से दूसरी जागीर पर किया जाता था, परंतु कुछ मामलों में उन्हें अपनी जागीर लंबी अवधि के लिए एक स्थान पर रखने की अनुमति दी जाती थी। स्थानांतर प्रणाली जागीरदारों पर अंकुश लगाने का काम करती थी ताकि वे स्थानीय जड़े न बना ले। इसका नुकसान ये रहा कि इससे जागीरदार अपने क्षेत्रों के विकास हेतु लंबी अवधि के उपाय करने के लिए निरुत्साहित होते थे। यहाँ अनेक प्रकार की जागीरें थी, तनख्वाह जागीरें वेतन के बदले दी जाती थी, मशरूत जागीरें निश्चित शर्तों पर दी जाती थी, वेतन जागीरें जमींदार और राजा को उनकी सारी रियासतों के लिए सौंपी जाती थी, अल्तमघा और जागीरें मुस्लिम कुलीन अभिजात को उनके पारिवारिक नगर अथवा जन्म स्थान में दी जाती थी, तनख्वाह जागीरें प्रत्येक तीसरे से चौथे वर्ष हस्तांतरित कर दी जाती थी, वतन जागीरें जो थी वो वंशानुगत होती थी और इनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। जब किसी जमींदार को मनसबदार बनाया जाता था तो उसे उसकी तनख्वाह जागीर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान की वेतन जागीर भी दी जा सकती थी। इस कार्यक्रम को हम यही खत्म करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आपके कोई सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं।